माननीय भुवन कापती जी। अधिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नियम 310 के अंतर्गत सूचना को 58 में परिवर्तित कर हमें बोलने का मौका दिया। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, भर्तियों में विभिन्न कारणों से देरी और भर्ती घोटालों के कारण बेरोजगारों का परीक्षाओं से विश्वास टूटना तथा रोजगार सुरक्षा के संबंध में ये क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, UK SSSC उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो आज उत्तराखंड में एक कलंक है, इस आयोग ने जो भर्तियां कराई और जिसमें खुलकर भ्रष्टाचार सामने आया, इस प्रश्न को उठाते वक्त हमने ये मांग की थी कि इस आयोग की भर्तियों की जांच CBI से हो, क्योंकि सरकारी रोजगार जब हम किसी को देते हैं तो सरकारी रोजगार देने का मतलब सिर्फ रोजगार देना नहीं है, उस व्यक्ति का योगदान इस प्रदेश के विकास में उसकी भागीदारी उसके रोजगार के माध्यम से सुनिश्चित होती है। अगर वो रोजगार देते वक्त ही भ्रष्टाचारियों को रोजगार मिल गया तो इस प्रदेश के विकास में उनका क्या योगदान होगा। STF की तारीफ करती रही सरकार, 45 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन मात्र तीन महीने में 27 लोगों की जमानत हो चुकी है, 27 लोग बाहर निकल चुके हैं, गैंगस्टर जैसी धाराओं में जमानत हो चुकी है। जो वकील उनकी जमानत कराता है वो अखबार में स्टेटमेंट देता है कि सरकारी वकील पैरवी नहीं कर रहे हैं, सरकारी वकील आ नहीं रहे हैं, अभियोजन पक्ष के वकील खड़े नहीं हो रहे हैं, जिन्हें लाखों रुपए सरकार महीने देने का काम कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे पहले भी 2017 में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती प्रकरण पकड़ में आया था जिसमें 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था, 17 लोग जेल गए, लेकिन सरकार के द्वारा चुने हुए वो वकील कहीं खड़े नहीं हुए। 2 साल के अंदर हाईकोर्ट जाकर वो 17 लोग केस कंपाउंड कराकर आ गए और उन्होंने दोबारा ये काम शुरू कर दिया। अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परीक्षाएं निरस्त हुई लेकिन उनका होगा क्या? जो परीक्षाएं हुई, चाहे वो BDO BPDO हो, चाहे वो स्नातक स्तरीय 2021 हो, चाहे कनिष्ठ सहायक 2021 हो, ऐसी 11 परीक्षाएं, सचिवालय रक्षक भर्ती हो, सहायक अध्यापक LT की भर्ती हो, वन दरोगा की भर्ती हो, वन आरक्षी की भर्ती हो, कनिष्ठ सहायक एवं असुलिपिक भर्ती हो, कनिष्ठ सहायक असुलिपिक अन्य पद भर्ती हो, वाहन चालक व अन्य पद भर्ती हो, कर्मशाला अनुदेशक भर्ती हो, मत्स्य निरीक्षक भर्ती हो, सारी भर्तियां, इन पर क्या निर्णय लिया जाएगा? पिछले 3 महीने में सरकार कुछ नहीं कर पाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार ने जिम्मेदारी दी लोक सेवा आयोग को, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी देते ही हमने, मुझे लगता है कि दोबारा जैसे उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य फिर खतरे में डाल दिया हो। सबसे पहले तो लोक सेवा आयोग ने जो नियमावली बनाई जिसमें समूह गौ की भर्ती, उन भर्तियों में राज्य के युवाओं का अधिकार है, राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है, उन्होंने स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्यता के साथ
कक्षा 10 और 12 अगर उत्तराखंड से पढ़ा हो तो उनको भी अनुमति दे दी। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 10वीं और 12वीं के लिए पूरे हिंदुस्तान का व्यक्ति इस उत्तराखंड में पढ़ने आता है, तो कहीं न कहीं जहां रोजगार समूह गौ के रोजगार में युवाओं को, यहां उत्तराखंड के युवाओं को अधिकार मिलता, उसे उन्होंने छीनने का, उसमें डाका डालने का काम किया। एक भर्ती उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 23 से 27 अप्रैल तक सहायक अभियंता की भर्ती कराई। इसका रिजल्ट 18 नवंबर को निकला। कनिष्ठ अभियंता की कराई 7 मई से 10 मई तक, इसका रिजल्ट 31 अगस्त को निकला। इस रिजल्ट में सिर्फ रोल नंबर निकाले गए, इसमें न तो कट ऑफ दी गई, न छात्र का नाम दिया गया और न छात्र के पिता का नाम, क्योंकि इसका भ्रष्टाचार भी लगातार जारी है। अध्यक्ष जी, जब आरटीआई में कट ऑफ मांगी गई तो सूचना के अधिकार में मांगने के बाद वो कहते हैं कि जब तक हम फाइनल रिजल्ट नहीं दे देते तब तक हम कट ऑफ नहीं दे सकते। इस अब आप कहेंगे कि कट ऑफ नहीं दी तो भ्रष्टाचार, इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। लोक सेवा आयोग ने पॉलिटेक्निक में लेक्चरर की भर्ती करी। इस भर्ती की नियमावली है, इन्हीं की नियमावली है, ये जो इसके पीछे संलग्न है। अगर कोई भर्ती होती है उसमें अगर 1 से लेकर 5 पोस्टें हैं और उसमें इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में 5 गुने लोगों को बुलाया जाता है। अगर 1 पोस्ट है तो 5 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 6 से 10 पोस्टें हैं तो 4 गुने लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 11 से ज्यादा भर्ती है तो 3 गुने लोगों को बुलाया जाएगा। इस भर्ती में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की 1 पोस्ट थी। इस 1 पोस्ट के सापेक्ष 5 लोगों को बुलाया जाना चाहिए था। अध्यक्ष जी, इन्होंने 8 लोगों को बुलाया, ये आपके सामने है, जो कि इन्हीं की नियमावली के विरुद्ध है। 8 लोगों को बुलाया। 8 लोगों को बुलाने के बाद जो सबसे ज्यादा नंबर वाला है उसका है 78.75, दूसरे का है 69.25, तीसरे का है 69.25, चौथे का है 69, पांचवे का है 65, छठे का है 63, सातवें का है 62 और आठवें का है 61.25। जबकि सिर्फ 5 लोग बुलाए जाने चाहिए थे, 6 हो सकते थे क्योंकि 2 लोगों के नंबर बराबर हैं। इन्होंने 8 लोगों को बुलाया और जो 8वें नंबर पर है उसको इंटरव्यू में 60 नंबर देकर पहले नंबर में ले गए और उसका चयन कर दिया गया। अब इनकी नियमावली आपके सामने है, मैं आपको और इनके बारे में बताना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, ये एक छात्र है जिसने अपनी कॉपी आरटीआई में मांगी है। इनकी नियमावली है कि आप रीचेक नहीं करते, रिकाउंटिंग करते हैं, जो नंबर दिए गए हैं उनको सिर्फ जोड़ा जाता है। इनकी नियमावली में है, इनकी नियमावली में है कि आप जो नंबर दिए हैं उनमें काटपीट नहीं कर सकते। इनकी नियमावली में है जो यार आगे आंसर सीट में नंबर भरे जाते हैं इनमें काटपीट नहीं हो सकती। तो ये छात्र का चयन हुआ, आपको मैं बताना चाहता हूं। इस छात्र को मिले यहां 12-12-24 नंबर, काट के 8-8-16 कर दिए, ओवरराइटिंग है, कटिंग है। यहां इसको मिले 10-10-20 नंबर, 7-7-14 कर दिए। इसको मिले 14-14-28 नंबर, काट कर 9-9 कर दिए।
और इसके 17 नंबर कम कर इस लड़के को बाहर कर दिया। शेम, 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 ऐसे ही शेम। बहुत सारी आटे और आटी आई जो छात्र डर रहे हैं, वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने लोअर पीसीएस और पीसीएस का एग्जाम निकाल रखा है। एक ऑडियो भी वायरल हुआ था एक लड़की का, जिससे पैसों की मांग की जा रही थी, उसको आयोग से हटाया भी गया था। अगर उस समय सख्त कार्रवाई कर दी गई होती तो शायद ये नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सदन को आपके माध्यम से यह आदेश कराना चाहता हूं कि इस परीक्षा को, जो परीक्षाएं करानी है, पहले उसमें उत्तराखंड से हाईस्कूल और इंटर करा हुआ नियम हटना चाहिए। उसमें उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र समूह गौ के लिए होना चाहिए, सिर्फ यही अनिवार्य होना चाहिए। इसके अलावा अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारी बातें हैं, हम सरकार कई तरीकों से रोजगार दे रही है। सरकारी रोजगार में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग आपके सामने है। उसके अलावा उपनल के माध्यम से हम रोजगार दे रहे हैं, पीआरडी के माध्यम से हम रोजगार दे रहे हैं, पीडब्ल्यूडी बेलदार के माध्यम से हम रोजगार दे रहे हैं, रोडवेज कर्मचारी दैनिक वेतन पे हम रोजगार दे रहे हैं, अतिथि शिक्षकों को शिक्षक के रूप में हम रोजगार दे रहे हैं, मनरेगा कर्मचारी के रूप में हम रोजगार दे रहे हैं, ऊर्जा निगमों के रूप में हम रोजगार दे रहे हैं, वन निगम, वन विकास निगम, असिस्टेंट प्रोफेसर सौजल, जीआईसी सेल, भौगोलिक सूचना तंत्र, राजीव नवोदय, बहुत सारे तरीकों से हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन हमारे कोई भी इन युवा साथियों का रोजगार सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट फैक्ट्रियों के माध्यम से हम रोजगार दे रहे हैं, प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से हम रोजगार दे रहे हैं, उनको तो हम दरकिनार कर दें, तो ये जो हम सरकारी सेवा के हिसाब से जो रोजगार दे रहे हैं, इनका किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं है। 25,000 से ज्यादा लोग उपनल में है, 4,000 से ज्यादा लोग अतिथि शिक्षक में है, 4,000 से ज्यादा लोग जो है ऊर्जा निगमों में है, 150 लोग करीब स्वजल में है। अब विडंबना यह है कि इनमें से कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी का भी रोजगार सुरक्षित नहीं है। मैं एक घटना का वर्णन आपसे करना चाहता हूं। स्वजल में कर्मचारी 1996 से काम कर रहे हैं, समान कार्य समान वेतन पर उन्हें वेतन मिल रहा है, उनको उपनल में मर्ज कर दिया जाता है। 96 से जो कर्मचारी 30,000 रुपए तनख्वाह ले रहा था, उसको 12,000 में लाकर छोड़ दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उपनल के कर्मचारी 15-20 साल से रोजगार कर रहे हैं, अतिथि शिक्षकों के लिए कहा जाता है कि पद को रिक्त नहीं माना जाएगा, लेकिन जब मर्जी होती है निकाल दिया जाता है। कोई ऐसा नियम बनना चाहिए, कोई ऐसा रोजगार कानून बनना चाहिए जिसमें जो वर्षों से 10 साल से ज्यादा कर रहे हैं उन्हें संविदा कर्मचारी में लाकर। मैं सुबोध उनियाल जी को धन्यवाद करूंगा, इन्होंने अपने एक विभाग में किया है, कृषि मंत्री रहते हुए सुबोध उनियाल जी ने सीट सर्टिफिकेशन, उसमें जो कर्मचारी चाहे आउटसोर्स से हो चाहे वो उपनल से हो, जिनको 10 साल से ज्यादा हो गया था, उनको विभागीय संविधा में लेकर उन कर्मचारियों की भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया है। आपको पीठ के माध्यम से ऐसे कोई मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए कि जिन युवाओं का रोजगार लग रहा है, उन युवाओं को किसी न किसी नियमावली बनाकर, चाहे 5 साल की सीमा हो चाहे 10 साल की सीमा हो, उन युवाओं को विभागीय संविधा में लाकर परमानेंट करने की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, कंक्लूड करिए मैडम, बहुत महत्वपूर्ण है। आप 20 मिनट बोल रहे हैं, कंक्लूड करिए मैडम। जो आउटसोर्स एजेंसी है, उन आउटसोर्स एजेंसियों ने इस उत्तराखंड को लूटने का काम कर रखा है। ऐसी आउटसोर्स एजेंसियां हैं जिनको एक विभाग ब्लैकलिस्टेड करता है तो दूसरा विभाग काम दे देता है। ये एक आउटसोर्स एजेंसी है टीडीएस, ये टीडीएस बाल विकास में काम कर रही थी, ये 6 महीने का वेतन लेकर भाग गई, बाल विकास ने इसे ब्लैकलिस्टेड कर दिया,
स्वास्थ्य विभाग ने इसे काम दे दिया। ए स्क्वायर बाल विकास में काम कर रही थी, 3 महीने का वेतन लेके भाग गई। अभी एक नई कंपनी जो हमारी बहनें आज सुबह सुबह मेरे पास आई थी, पिछले 10 साल से उपनल और पीआरडी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग उत्तराखंड के अंदर संचालित योजनाओं में कार्य कर रहे कर्मियों को विभाग द्वारा चयनित आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियुक्त करने के संबंध में, जो हमारी बहनें पिछले 6 साल से 10 साल से उपनल से पीआरडी से रोजगार कर रही थी, अचानक एक मंत्री जी का आदेश फरमान जारी होता है कि टीडीएस और ए स्क्वायर तो फर्जी निकल गई, एक ये नई आउटसोर्स कंपनी आ गई जिसको आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो मिलेंगे भी नहीं आपको, यहाँ उपनल से और पीआरडी से हटाकर आपको इससे नौकरी करनी पड़ेगी, जो नौकरी नहीं कर रहा वो बाहर जाओ। आप समझिए जो 10 साल से उपनल से कर रहे हैं, एक तरफ तो हम कैबिनेट में ये फैसला करते हैं कि उपनल के कर्मचारी हटाए नहीं जाएंगे, कंक्लूड करिए, उनके पद को सदस्य कंक्लूड करिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहता हूँ। इसके अलावा रोजगार कंक्लूड, लगातार जो सिटकुल के माध्यम से प्राइवेट रोजगार हमारा मिल रहा था लगातार पलायन कर रहा है, जैसे जैसे फैक्ट्रियां पलायन कर रही हैं वैसे वैसे रोजगार पलायन कर रहा है। माननीय मंत्री जी बैठे नहीं है, सौरभ बोगरा जी, जायडस फैक्ट्री सितारगंज कंक्लूड, पिछले 15 साल से वो नौकरी कर रहे हैं और उन्हें सुबह पहुंचते हैं तो माननीय सदस्य आप कंक्लूड करिए, 1250 लोग 4 महीने से धरने में बैठे हुए। माननीय सदस्य कंक्लूड करिए अब अपनी बात। मैं मैडम कंक्लूड ही कर रहा हूँ। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा प्रश्न था उसमें रोजगार में भ्रष्टाचार और रोजगार सुरक्षा, हम रोजगार की सुरक्षा कैसे दे पाएंगे अगर सरकारी आउटसोर्सिंग एजेंसियों से हम लगा रहे हैं, तो उसमें एक नियमावली बननी चाहिए माननीय मंत्री जी। 10 साल की बात हो चाहे 5 साल की बात हो, उसके बाद विभागीय संविधान में लेकर उन्हें परमानेंट करने के जैसा कोई नियम बनना चाहिए। जो लोग जो फैक्ट्रियां रातों रात भाग रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 6 साल का उन्हें वेतन मिलना चाहिए, जैसे एचपी देके गई 42 लाख रुपए पर व्यक्ति। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के युवाओं ने इस उत्तराखंड को बनाने में बड़ा अपना योगदान दिया है। आज उन युवाओं के भविष्य का सवाल है, इस उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है। एक बात याद आती है मुझे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कह देता हूँ कि सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं, सरकारें बनती हैं सरकारें बिगड़ती हैं। सरकारें प्रदेश को क्या देकर जा रही हैं, सरकारें देश को क्या देकर जा रही हैं, सरकारें युवाओं को क्या देकर जा रही हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई मजबूत नियमावली बननी चाहिए और लोक सेवा आयोग का जो, लोक सेवा आयोग का जो भ्रष्टाचार है कंक्लूड करिए, कंक्लूड करिए, नियुक्तियां कराएंगे, कंक्लूड करिए, उत्तराखंड के माननीय सदस्य कंक्लूड करिए, आप रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। इसके खिलाफ मंत्री जी आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जांच के आदेश होने चाहिए कि कैसे, कंक्लूड करिए आप, हमारे आप रिपीटेटिव हो रहे हैं, प्लीज कंक्लूड नाउ, प्रचार कर रहे हैं आप, प्लीज कंक्लूड। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आप मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।